गले में सूजन आ जाना, जिसे हम कहते हैं फेरिंजाइटिस, ये क्या होती है, क्यों होती है, किसे कहते हैं फेरिंग्स, और किस तरह से इस समस्या से आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, क्या इसके उपाय हैं, और किस तरह से इससे हम खुद बच सकते हैं, यही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, और जानने वाले हैं इसके सटीक ट्रीटमेंट के बारे में। और इसीलिए अगर आपको आपके गले में कोई तकलीफ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले समझते हैं फेरिंग्स क्या होता है। ये देखिए, हमारा जो गला होता है, गले के सामने का जो पाइप होता है उसके पीछे फेरिंग्स होता है, इसे हम कहते हैं फेरिंग्स। सो आगे होता है लैरिंग्स और पीछे होता है फेरिंग्स। आपका जो इसोफेगस है यानी कि फूड पाइप जो है उसका ऊपरी भाग, उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। इस फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाना यानी कि सूजन आ जाना, जिसे कहते हैं फेरिंजाइटिस। जहाँ पे भी आइटिस लगता है वहाँ पे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन आ गई। तो ये फेरिंजाइटिस क्यों होता है, इसका कारण क्या है, यही आज समझने वाले हैं। तो फेरिंजाइटिस को समझने के पहले सबसे पहले जानते हैं कौन से लक्षण आपको दिखते हैं, क्या सिम्टम्स आपको आते हैं जिसके बलबूते पे आप कह सकते हैं कि ये फेरिंजाइटिस है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके गले में शायद दर्द होगा, आपको निगलने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया जो आपका फूड पाइप है उसका ऊपरी भाग जो फेरिंग्स होता है वहाँ पे सूजन आ गई, तो निगलने में भी आपको तकलीफ हो सकती है। आपके गले में सूजन आ सकती है, आपको बुखार आ सकता है, आपका शरीर इस इन्फेक्शन से फाइट करने की कोशिश करता है और इसीलिए आपको बुखार आ सकता है। आपको सरदर्द इसमें हो सकता है, या फिर बहुत सारे पेशेंट्स में देखा जाता है उनको मतली होती है, उल्टी आती है, सांस लेने में या बोलने में भी कभी कभी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे सूजन आने की वजह से आपका जो लैरिंग्स है उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा और इसलिए आपको बोलने में भी, बोलने के दौरान भी तकलीफ हो सकती है। टॉन्सिल्स आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि फेरिंजाइटिस का जो इन्फेक्शन है आपके टॉन्सिल्स तक भी जा सकता है। आपको सर्दी या खांसी की शिकायत हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ सकती है, आपकी नाक बह सकती है और आपके मांसपेशियों में, आपके पूरे बॉडी में वीकनेस भी आपको महसूस हो सकती है, थकान आपको महसूस हो सकती है। अगर आप टॉर्च लगा के देखेंगे तो गले के अंदर रेडनेस, लाल आपका गला अंदर से हो जाता है। आपकी आवाज़ भी इसमें बदल सकती है, क्योंकि क्या होगा, लैरिंग्स के ऊपर प्रेशर आएगा जिससे आपको आवाज़ में भी परिवर्तन दिखेगा। अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है तो आपके गले में या टॉन्सिल्स में पस भी हो सकता है और ये जो दर्द होता है ये आपके कान तक भी पहुंच सकता है और बहुत बार हम देखते हैं कि कान में पेशेंट को दर्द भी इसके बाद शुरू होता है। हो सकता है इसमें आपको आगे चल के आपकी भूख कम हो, और काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा पाया जाता है जिसे हम लिम्फ नोड कहते हैं, आपके गर्दन जो है यहाँ के जो ग्रंथियाँ होती है वहाँ पर भी सूजन आ जाती है। इन लक्षणों से आपको समझ में आ गया कि आपको फेरिंजाइटिस की समस्या है, आपको फेरिंग्स का प्रॉब्लम है। लेकिन मेन सवाल जो है वो है कि हुआ क्यों है, इसका क्या कारण है, आइए वो भी थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम होता है, आपको फ्लू होता है, इसकी वजह से आपको फेरिंजाइटिस की समस्या हो सकती है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन होता है या स्टेप्टोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको होता है तो इसकी वजह से भी फेरिंजाइटिस की समस्या होती है। कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं उनको बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, एलर्जी की समस्या रहती है, कंटिन्यूसली काफ़ी दिनों तक खांसी की समस्या चलती है, ये भी कारण हो सकता है आपके फेरिंजाइटिस का। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं या सिगरेट आप ज़्यादा पीते हैं, उस धुएं से भी आपको तकलीफ हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं या केमिकल का पोल्यूशन है तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगर आपको साइनोसाइटिस की समस्या है, साइनस का द्रव बाहर निकलने की वजह से भी ये आपको फेरिंजाइटिस की समस्या हो सकती है। या फिर हम कहते हैं कि एसिड रिफ्लेक्स की समस्या अगर आपको है तो उसमें जो एसिड निकलता है वो एसिड भी आपके गले को इरिटेट कर सकता है और इस वजह से भी आपको फेरिंजाइटिस की समस्या शुरू हो सकती है। अगर आपको मिजल्स हुए हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में है, तनाव ज़्यादा है, तनाव भी एक मुख्य कारण इसमें देखा जाता है। तो ये सब है कारण जिसकी वजह से फेरिंजाइटिस की समस्या हो सकती है। अब समझते हैं क्या इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। देखिए, होम्योपैथी की दवाइयाँ फेरिंजाइटिस में बहुत ही अच्छा जादू की तरह काम करती है। काफ़ी अच्छी अच्छी मेडिसिंस है, एकोनाइड है, बेलाडोना है, मक्सॉल है, लैकेसिस है, काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं जो आपको इस समस्या से पूरी तरह से छुटकारा देने में आपकी मदद कर सकती है। लेकिन याद रखिए, खुद के दिल से दवाई नहीं लेनी है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, आप व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको आपके व्हाट्सएप का जवाब देंगे,
हम ऑनलाइन कंसल्टिंग भी कर सकते हैं ताकि आप इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो सके। अब समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर आपको इस फेरेंजाइटिस से बचना है, प्रिवेंशन की इंपॉर्टेंट बातें। आपने धूम्रपान नहीं करनी है, आप अगर शराब का सेवन करते हैं तो आपने बंद करना चाहिए, और एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है आपका टूथब्रश। आपको आपका टूथब्रश हर महीने चेंज करना चाहिए क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जम जाते हैं और वो इन्फेक्शन आपके गले तक भी पहुँच सकता है। हाथ आपको क्लीन रखने हैं, बार बार हाथ धोने हैं, आपको आपकी नाक को क्लीन रखना है। अगर आपको सर्दी की शिकायत है, एलर्जी की शिकायत है तो उसकी ट्रीटमेंट कराइए, उसके लिए भी होम्योपैथी की दवाइयाँ लीजिए ताकि ये एलर्जी की समस्या अगर ठीक हो जाए तो आपको फेरेंजाइटिस नहीं होगा। पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, फ्रिज का पानी आपने बिल्कुल भी नहीं पीना है, आप गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। आप दिन भर अगर गुनगुना पानी पीते हैं, कुछ दिन अगर आप ये करते हैं तो आपका जो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस है, जो स्वेलिंग है, वो कम हो जाएगी, आपकी तकलीफ कम हो जाएगी, आपका दर्द कम हो जाएगा। चाय कॉफ़ी ये बिल्कुल कम करना है, बहुत ठंडी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, आप जब भी पानी पीने बैठे आराम से चेयर पे बैठ के या नीचे बैठ के पानी पीजिए, खड़े खड़े ऊपर से बॉटल लगा के बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है। ठंडी चीज़ें पूरी तरह से कम कर दीजिए और थोड़ा आराम कीजिए, ध्यान रखिए गर्म पानी पीजिए। इन सब उपायों को अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली इस समस्या से आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। सो घबराइए नहीं, इसका इलाज कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।